हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? डंपर के सेफ्टी फीचर्स के ऊपर लेकर आए हुआ, ठीक है। डंपर का सेफ्टी फीचर जो डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 6/2020 27/2020 में ये आया हुआ था, इसमें इसका क्या आया, तो आइए हम टोटल डिटेल्स अभी हम समझते हैं। जो सर्कुलर आया हुआ है, ये सर्कुलर का जो जितने भी इक्विपमेंट्स सेफ्टी फीचर्स था, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका सेफ्टी फीचर्स का इक्विपमेंट्स आज हम देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस 2 इयर्स पहले मैंने एक सेफ्टी फीचर के ऊपर मैंने डाला हुआ था वीडियो, लेकिन उसमें पूरा विस्तार के रूप में समझाया नहीं था इसको, उसके ऊपर इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। आज का वीडियो जो है, हम इक्विपमेंट्स को देखेंगे और सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। इसको डिटेल्स में देख समझते हैं। डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 6/2020 डेट 27/2020, ठीक है। डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर में यह होता है, नंबर 6 का है, 2020 में आया होता है। कितना तारीख को आया होता है? 27/2020 में आया होता है। किसके ऊपर आया है? डंपर का सेफ्टी फीचर्स के ऊपर आया है, ठीक है। जो माइंस में एचएमएम हैवी मूविंग मशीनरी जो चलता है, उसका जो सेफ्टी फीचर्स रहता है ओपन कास्ट माइंस में, उसका जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स क्या क्या है आज हम जानेंगे और डिटेल्स के बारे में उसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? डंपर सेफ्टी फीचर्स एज पर डीजीएमएस गाइडलाइन। डीजीएमएस गाइडलाइन की सबसे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है सेफ्टी फीचर्स क्या है उसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक तो रिमाइंडर के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जितने भी न्यू पर्सन है उनका एक रिक्वेस्ट था, सर आपने वो सेफ्टी फीचर जो प्रीवियस 2 इयर्स पहले जो बनाए थे, इसमें ओनली उसमें सारे के सारे उसमें कवर नहीं हुए हैं। और उसमें क्या कवर नहीं हुआ है, लेकिन उसका सर एक आप तो बता दिए सेफ्टी फीचर्स का पॉइंट सब, लेकिन उसका पिक्चर भी उसमें आप अटैच कर दो तो अच्छा रहता है। इसके लिए आज हमने जितने ही पॉइंट्स हम डिस्कस कर उसका सब पिक्चर आज हमने अपलोड किए हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? केबिन गार्ड एक्सटेंशन, केबिन गार्ड एक्सटेंशन, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड, टेलगेट प्रोटेक्शन, बॉडी लिफ्टिंग पोजिशन लॉकिंग अरेंजमेंट्स, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रियर विजन सिस्टम, ठीक है। ये मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इसका, जब आप पिक्चर में देखेंगे तब आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम वेल रिवर्सिंग, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, ऑटो डिपिंग सिस्टम, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, लोड इंडिकेटर रिकॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्ड ब्रेक, प्रोविजन ऑफ टू वेयर ब्रेक, फायर सप्रेशन सिस्टम, रेट्रो रिफ्लेक्टिव ऑन ऑल साइड, फायर रेजिस्टेंस होस एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिकल ओवर एंड स्लीव्स टू बी फायर रेजिस्टेंट क्वालिटी, टर्बो चार्ज गार्ड एंड एग्जॉस्ट ट्यूब कोटेड विथ हीट इन्सुलेशन फैन, बैटरी कट ऑफ स्विच, ड्राइव फैटिक मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स है आपको याद रखना है, और याद भी आप रखे हुए हैं, ठीक है। जब आपका कहीं भी स्किल टेस्ट टेस्ट होता है, आपको वहां पर फील्ड में लेके जाके आपको वहां पर पूछेंगे, तो ये आप अच्छा से आसान से बता सकते हैं कि डंपर का एक तो खड़ा कर देंगे, अच्छा एक डंपर में क्या क्या सेफ्टी फीचर होता है बताओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं जो डंपर का सेफ्टी फीचर डीजीएमएस सर्कुलर नंबर कितने पे आया होता, कब आया होता, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी पूरा विस्तार रूप का विस्तार रूप में समझते हैं, और अभी पिक्चर भी देखते हैं, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स का यही कमेंट था कि सर आपने सेफ्टी फीचर्स का सारे ऑल पिक्चर्स आप आपने अपलोड कीजिए, ठीक है। तो ये आ गया है, ठीक है। पहला है केबिन गार्ड एक्सटेंशन। केबिन जो आपका माइंस में जितना भी डंपर चलता है, जितना टिपर चलता है, सबका केनोपी आपको बड़ा करना चाहिए, केनोपी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली तो केबिन एक्सटेंशन गार्ड इसलिए किया जाता है, जब आपका माइंस में जब ओबी हो या मेटेरियल जो वारम आप लोडिंग करते हैं, तो उस समय कोई भी मेटेरियल ड्राइवर के ऊपर ना गिर जाए, ठीक है, इसलिए इसको एक्सटेंशन किया जाता है, ठीक है। उसको रोल ओवर प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड। प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड क्या होता है, वो किस लिए यूज होता है? आप देख पा रहे होंगे, एक तो डंपर का सबसे नीचे पर्सन है, नीचे में जो जो शाफ्ट रहता है एक लंबा सा करके है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या कहता है? डंपर ट्रक की आवाजी जो उसके दौरान प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड में जमीन पर, मान लीजिए वो बीच में टूट जाता है, तो अगर प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? जमीन के ऊपर गिरेगा, ठीक है। जमीन के ऊपर गिरने से वो दुर्घटना होने के चांसेस हो सकता है, इसलिए प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड को यूज किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए टेलगेट प्रोटेक्शन, टेलगेट प्रोटेक्शन साथ केबिन सेफ्टी गार्ड भी, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेलगेट प्रोटेक्शन भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेलगेट प्रोटेक्शन क्या करता है, जो ड्राइवर रहता है जो चालक रहता है तो उसको ये सुरक्षा में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बॉडी लिफ्टिंग लॉकिंग अरेंजमेंट। ये कब यूज किया जाता है आपको पता होगा, जब मैं डंपर का मेंटेनेंस किया जाता है उसका डाला के नीचे जब कुछ काम करना पड़ता है तब आपको बॉडी का लॉकिंग अरेंजमेंट सिस्टम आपको लगाना होगा, यूज करना होगा, ठीक है। उस टाइम अगर उसको उठा के नहीं करेंगे बाई चांस अगर डाला नीचे हो जाएगा तो वहां पर एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है, फटा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको जब भी मेंटेनेंस करना होगा डाला को जब उठाते हैं तो उसका लिफ्टिंग लॉकिंग अरेंजमेंट सिस्टम को यूज करना होगा, अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट मिरर, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो है वो कब काम आता है, जब ड्राइवर को जब उसको ऐसे कॉन्जेस्टेड जगह में जब उसको आगे पीछे करना पड़ता है, आगे का हिस्सा उसको अच्छा से प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, तब ब्लाइंड स्पॉट मिरर का काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट रियर विजन सिस्टम, रियर विजन सिस्टम, ठीक है। रियर विजन सिस्टम क्या है, जब आपने गाड़ी को एसओपी तो फॉलो करते हैं, एसओपी को फॉलो करने के समय पे रियर विजन सिस्टम आपको आपको देखना है, क्योंकि गाड़ी के जब पीछे जब कोई बंदा है या कुछ भी है वो आपको रियर विजन में कैमरा में आपको देखना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए जब जब आपने ये कब काम आता है, जब आपने लोडिंग करते हैं, ठीक है। लोडिंग पॉइंट जब आपको रिवर्स करके लगाना पड़ता है, जब डॉक में भी रिवर्स करते हैं, कहीं भी जब रिवर्स करते हैं इसका काम उस टाइम रिवर्स कैमरा में आपको सो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम, ठीक है। ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम क्या है, वो आपको डम्पर में लगाना जरूरी है। अगर आपका जो माइंस में आप काम करते हैं वहां पे अगर जो आपका अंडर में जो डंपर चलता है अगर डंपर में ऑडिबल अलार्म नहीं लगा होगा तो उसको प्लीज आप अलाउ ना करें, ठीक है। क्योंकि ऑडिबल अलार्म नहीं रहेगा तो इंसिडेंट होने के चांसेस रहता है बैक करने का समय में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिवाइस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है वो आपने इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वो कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और कहाँ पर है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमिटी ये होता है कि वो एक सेंसर होता है, ठीक है। ऑपरेटर के डंपर के आसपास के भीतर सीमा के पहुंचने वाले वस्तुओं और उसको बाधा में चेतावनी देता है, ठीक है। जब मान लीजिए एक डंपर और कोई बंदा भी अगर उसके कोई भी पर्सन उसके सामने में आ जाएगा, कोई भी वस्तु या कोई भी कुछ भी अगर उसके नजदीक में आ जाएगा तो उसको इंडिकेट करेगा प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटो डिपिंग सिस्टम, ऑटो डिपिंग सिस्टम क्या होता है, ऑटो डिपिंग सिस्टम बेसिकली नाइट में जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऑटो डिपिंग सिस्टम डिवाइस रात के दौरान ऑपरेटर को आंख की चमक करने के लिए मदद करता है, ठीक है। ऑटो डिपिंग डिवाइस स्वचालित रूप में यातायात की स्थिति के अनुसार उस समय तक वाहनों को हेडलाइट बीम को स्थानांतरित करती है और स्वचालित रूप में उससे उससे बीच बीम को प्रणित करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप एक तरफ से जा रहे हैं दूसरा से एक गाड़ी आ रहा है, ठीक है। ऑटो डिस्प्ले सिस्टम लगा होगा तो वो उसका जो हाई होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह वो ऑटो डिस्प्ले सिस्टम काम करता है। उसके बाद क्या है, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, ठीक है। आप सबको भी पता होगा जैसे कि रोड में भी अगर जितना स्पीड से आपको जाना चाहिए था उतना स्पीड से अगर आप अधिक स्पीड में जाएंगे तो चालान कट जाता है, ठीक है। उसी तरह आपको माइंस में जो काम करेंगे जो भी गाड़ी आप चलाएंगे उसका स्पीड लिमिट जहाँ पर जितना है और स्पीड लिमिट को आपको मान के चलाना है, ठीक है।
और स्पीड लिमिट का डिवाइस का जो पीक है आप यहाँ पे अच्छा से क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, सीट बेल्ट रिमाइंडर। ठीक है, सीट बेल्ट अगर इस अभी तो ऐसे भी सेंसर आ जा रहे हैं, सीट बेल्ट आप यूज जब तक नहीं करेंगे तब तक स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वो सीट बेल्ट वो होना भी चाहिए, सीट बेल्ट रिमाइंडर का पीक इस तरह होता है। आपने देखो जो ऑपरेटर उसमें जो यूज करते हैं तो उसको हमेशा जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हमेशा उसको सीट बेल्ट यूज करना जरूरी है। ठीक है, एग्जिट है रिटर्न ब्रेक। ठीक है, रिटर्न ब्रेक का क्या काम होता है, जब आपने हिल एरिया से आप जब डाउन एरिया में जब आते हैं ना तब उस टाइम ये रिटर्न ब्रेक का काम यूज होता है, ग्रेडियंट में जब आते हैं। ठीक है, डाउन जो ग्रेडियंट में जब आते हैं तो इसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, रिटर्न ब्रेक का वो स्विच होता है, आप देख पा रहे होंगे वो बटन है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजनल टू ब्रेक्स। आपको बेसिकली टू ब्रेक का ज्यादातर टाइम जरूरत होता है। ठीक है, एक सर्विस ब्रेक एक वर्किंग ब्रेक, वो हमेशा आपको काम में आता है। ठीक है, लेकिन रिटर्न ब्रेक का सब जगह में काम में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, जो फायर सप्रेशन सिस्टम होता है ये कहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, ये सब देख लीजिए, सेमी ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर 2 kg स्टार्टर एबो टर्बोचार्ज इंजन स्कैनिया डंपर। जो आप जो माइंस में आपका जितना जो डंपर चलता है वो उसका मेट्रिक टन के हिसाब से आपको उसका कितना टन जो उसको लेता है उसके हिसाब से आपको फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर रखना होगा। ठीक है, फायर सप्रेशन सिस्टम का ये पूरी फिक देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव ऑन ऑल साइड। जब रात में काम चलता है तो उसमें अगर जो कि रेडियम बोलते हैं, ठीक है, जो रेडियम चारों तरफ लगा देने से अच्छा विजिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फायर रेसिस्टेंट क्वालिटी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्लीव्स। ठीक है, फायर रेसिस्टेंट क्वालिटी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्लीव्स हेल्प टू डिक्रीज चांस फॉर फायर। ठीक है, ये यूज करने से फायर को फायर होने में समर्थ नहीं करने देता है। ठीक है, वो रोकता है। ठीक है, जब अगर किसी भी कारण से आग लगने का चांसेस रहता है, ये अगर आप सेफ्टी फीचर्स यूज करते हैं तो वो मिनिमाइज करेगा, आग लगने नहीं देगा। ठीक है, टर्बो चार्ज गन एग्जिट ट्यूब विथ हीट इंसुलेटेड वेंट। ये क्या कहता है, हीट इंसुलेटेड वेंट हेल्प टू डिक्रीज चांस ऑफ फायर। ये भी फायर को रोकने में चांस मतलब फायर को रोकने में ये काम को मदद करता है। ठीक है, हीट इंसुलेटेड फेड आग की संभावना वो कम करने में मदद करता है। ठीक है, इसका भी काम वही होता है। ठीक है, बैटरी कट ऑफ स्विच। जब आपने डंपर को बंद करते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं, नाश्ते के टाइम में हो, टिफिन लंच के टाइम पे हो, और जब भी शिफ्ट एंड होता है तब तो आपका बैटरी कट ऑफ स्विच को बंद करना चाहिए। ठीक है, ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्राइव फिटिंग मोटर डिवाइस। ये फिटिंग मोटर डिवाइस भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इस तरह से लगा हुआ रहता है, ये इस काम करते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाने के समय में अगर ड्राइवर सो जाता होगा, उसको नींद आता होगा, तो उस टाइम इसका काम आता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे सम करते हैं। जो डीजीएमएस सर्कुलर के ऊपर आया था, जितने भी सेफ्टी फीचर्स थे उसका सारा पिक्चर, जिसका रिक्वेस्ट था कि सर पिक्चर वो अच्छा से देखने नहीं मिल पा रहा है, तो इस पिक्चर को लेके हमने एक वीडियो बनाया हुआ तो वीडियो बनाया हुआ था। इस वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर कुछ अगर छूटा हुआ कुछ मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।